ये जो ये ऑक्स का वर्टिब्रे है, इसे फर्स्ट वर्टिब्रे एटलस है ऑक्स का, और ये हॉर्स का एटलस है। इनमें सबसे पहले मेन पॉइंट देखते हैं। मेन पॉइंट ये है वर्टिब्रल फोरामेन, लार्जेस्ट वर्टिब्रल फोरामेन, ये वाला लार्जेस्ट एटलस में लार्जेस्ट वर्टिब्रल फोरामेन होता है। ये विंग्स हैं दो, और ये वाले जो हैं ये फोरामेन हैं। दो फोरामेन होते हैं जो अंदर की तरफ होता है ना, वर्टिब्रल फोरामेन की तरफ, इसे बोलते हैं इंटर वर्टिब्रल फोरामेन, और जो बाहर की तरफ जाता है इसे बोलते हैं एलर फोरामेन। ऐसे इधर ही होगा। उसके बाद ये वाला जो है इसमें दो टुबरकल होंगे, ये ऊपर वाला डॉर्सल टुबरकल है और ये नीचे वाला वेंट्रल टुबरकल है, डॉर्सल टुबरकल और वेंट्रल टुबरकल। उसके बाद इसकी ये जो है ना, ये वाले ये है क्रेनियल आर्टिकुलर सरफेस, कॉडल कॉडल आर्टिकुलर सरफेस, ये वाली कॉडल आर्टिकुलर सरफेस है, और ये वाली जो आगे वाली है ये क्रेनियल आर्टिकुलर सरफेस होगी। क्रेनियल आर्टिकुलर सरफेस में हमारे पास एक नोच है जो इसको डिवाइड करती है दो हिस्सों, चार हिस्सों में डिवाइड करती है, राइट लेफ्ट डॉर्सल और वेंट्रल। और इसके अंदर ये हाफ से ऊपर जो बनता है ना पार्ट, इसे लैमिना बोलते हैं, और जो हाफ से नीचे पार्ट आता है इसे पेडिसल बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये वाले जो हैं ये अटलांटिक फोसा है, ये विंग्स के नीचे जो बनते हैं अटलांटिक फोसा। और इसमें अब इनके कंपैरिजन डेंस भी बता दो। अब ये देखना, ये ऑक्स की थी और ये हॉर्स है। ऑक्स में जो है ना, ऑक्स में ये जो है ट्रांसवर्स प्रोसेस में ट्रांसवर्स फोरामेन हॉर्स के केस में है, ये ट्रांसवर्स फोरामेन है, क्योंकि ऑक्स के केस में ट्रांसवर्स फोरामेन नहीं है। एक ये डिफरेंस हो गया। विंग्स, ये विंग्स जो हैं, ये हॉर्स के केस में विंग्स जो हैं बेंट डाउनवर्ड होते हैं, कर्व्ड डाउनवर्ड, और इनमें स्ट्रेट होते हैं और अपवर्ड होते हैं। ऑक्स के केस में स्ट्रेट होते हैं और इधर बेंट डाउनवर्ड होते हैं, और इनमें कोई डिफरेंस। और ये वाला जो है ना, ये इसे क्या बोलते हैं, फोविया डेंटिस है, फोविया डेंटिस ये दोनों में होगा, कॉडल साइड पे फोविया डेंटिस होगा। बस ये पहले थे। ये हॉर्स की एक्सिस है और ये ऑक्स की एक्सिस है। इनमें जो मेन डिफरेंस है ना, इसे यूँ रखेंगे, ये जो स्पाइन है, स्पाइन प्रोसेस, ये हॉर्स में डिवाइडेड होगा जबकि ऑक्स में अनडिवाइडेड है। हॉर्स में डिवाइडेड है, दो हिस्सों में डिवाइड होता है, और ऑक्स में सिंगल है, डिवाइड नहीं होता। इसके बाद ये वाला जो है ऑक्स में, हॉर्स में ये है क्रेनियल आर्टिकुलर सरफेस, ये एक नोच की मदद से दो हिस्सों में डिवाइड हुई है। क्रेनियल आर्टिकुलर सरफेस दो हिस्सों में डिवाइड है, और ये डेंस जो है ये ट्राइंगुलर है, डेंस ट्राइंगुलर है। ये वाला जो है ये इंटर वर्टिब्रल फोरामिन है, ये वर्टिब्रल फोरामिन है लार्ज, ये इंटर वर्टिब्रल फोरामिन है। ये वाला जो प्रोसेस है ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, और ये ट्रांसवर्स फोरामिन है, ट्रांसवर्स फोरामिन है। उसके बाद ये वाला जो कॉटिलॉइड कैविटी है, डीप है इसमें कॉटिलॉइड कैविटी, और ये वेंट्रल क्रस्ट है। ये वाले जो क्रेनियल आर्टिकुलर सर्फेसेज हैं, कॉडल, हाँ कॉडल आर्टिकुलर सर्फेसेज हैं, ये कॉडल आर्टिकुलर सर्फेसेज हैं। अब इनका डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस में एक तो ये डिफरेंस है कि ये जो है स्पाइन है ये हॉर्स में डिवाइडेड है और इसमें अनडिवाइडेड होता है। उसके बाद दूसरा डिफरेंस ये है कि ये इसमें जो ये डेंस है, डेंस ट्राइंगुलर होता है, और इधर ऑक्स के केस में डेंस जो है वो स्पॉट शेप होता है। क्रेनियल आर्टिकुलर सरफेस एक नोच की मदद से डिवाइडेड होती है हॉर्स में, और ऑक्स में क्रेनियल आर्टिकुलर सरफेस कॉन्टीन्यूस होती है, अनडिवाइडेड होती है। और ये जो कॉटिलॉइड कैविटी है, कॉटिलॉइड कैविटी हॉर्स के केस में ये जो है डीप होती है और इधर शैलो है, ऑक्स में ये शैलो होती है। हाँ, इंटरवर्टिब्रल फोरामिना जो है, ये इंटरवर्टिब्रल फोरामिना ये हॉर्स में जो है ओवल होते हैं और ऑक्स में राउंडेड होते हैं। हाँ, स्पाइन जो है इसकी ये आती है आगे कॉडल आर्टिकुलर सर्फेस तक आती है, जबकि इसकी जो है वो स्पाइन यहाँ तक ख़त्म हो जाती है, आगे नहीं आती। ये हैं थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इन तीनों के फीचर्स जो है ना सेम होते हैं। हम एक ही पढ़ लेते हैं जो, अच्छा ये है हॉर्स की। हॉर्स में जो है ना वो एक तो लार्ज होगी, लॉन्ग होगी, दूसरा मैसिव होगी, और तीसरा जो इसमें क्वाड्रेंगुलर होगी, क्वाड्रेंगुलर ये हॉर्स की होती है।
इसमें जो ऑक्स में होती है ना, ऑक्स में शॉर्टर होती है, स्मॉलर और इरेगुलर होती है, इसकी कोई शेप नहीं होती। इनमें अब जो है ना देखते हैं पार्ट्स कौन कौन से। ये वाला हेड है इसमें, ये वाला वर्टिब्रल फोरामिना, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस, दो ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं, एक ये और एक ये, दोनों एक ही लेवल में होते हैं। ये ट्रांसवर्स फोरामिना है, कॉटिलॉइड कैविटी है, क्रेनियल आर्टिकुलर सर्फेसेज और क्रेनियल आर्टिकुलर फेसेट्स, कॉडल आर्टिकुलर सर्फेसेज और कॉडल आर्टिकुलर फेसेट्स, ये कॉडल आर्टिकुलर सर्फेस। और इसके बाद ये वाले जो है वेंट्रल क्रस्ट है, वेंट्रल क्रस्ट, ये ट्रांसवर्स फोरामिना हो गए। इनमें जो है ना वो एलर फोरामिना और इंटरवर्टिब्रल फोरामिना नहीं होते, ये थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में। ये वाले जो है वेंट्रल क्रस्ट नहीं यार, ये रिज है, डोर्सल रिज। इसमें डोर्सल रिज जो है ना ये ट्यूबरोस्टी लाइक होती है ऑक्स के केस में, और इसमें जो रिज लाइक होती है। और इसके बाद ये वाले वही ट्रांसवर्स प्रोसेस हैं, ट्रांसवर्स फोरामिना है, वर्टिब्रल फोरामिना है। और ये वाली जो है ना कैविटी, कॉटिलॉइड कैविटी, ये इनमें ऑक्स में जो है डीप होती है और हॉर्स में शैलो है, बस। और तो इसमें कोई डिफरेंस पहले बता देना। दोनों में प्रेजेंट है ट्रांसवर्स। ये है सिक्स्थ, ये ऑक्स की है और ये हॉर्स की, सिक्स्थ वर्टिब्रे। इनमें ना हॉर्स के केस में जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है वो तीन होते हैं, तीन इसमें डिवाइड होते हैं, 1, 2 और 3, ये वाले ट्रांसवर्स प्रोसेस। बाकी वही है, ये वर्टिब्रल फोरामिना है, ये ट्रांसवर्स फोरामिना है, ये कॉटिलॉइड कैविटी, उसके बाद ये वाला जो है क्रेनियल आर्टिकुलर सर्फेसेस, क्रेनियल आर्टिकुलर फेसेट्स है, डोर्सल रिज, कॉडल आर्टिकुलर फेसेट्स, कॉडल आर्टिकुलर सर्फेसेस, हेड। ये जो है ना इसमें वेंट्रल रिज, वेंट्रल रिज अब इसमें ऑप्शन तो नहीं बराबर है, लेकिन है सही, लेकिन ना बहुत फ्यूज्ड है। और इसमें देखते हैं ऑक्स में, ऑक्स में जो है ना ये जो हमारे पास है ट्रांसवर्स प्रोसेस, जो मेन डिफरेंस है ट्रांसवर्स प्रोसेस इसमें दो होते हैं, इसमें हॉर्स में हमने देखा था तीन है, एक दो और तीन, जबकि ऑक्स में दो हैं, एक और दो। और ये जो है ना ये प्लेट लाइक होता है, वेंट्रल जो है ना वेंट्रल ऐसा इसका ट्रांसवर्स प्रोसेस, वेंट्रल ब्रांच इसके, ये प्लेट लाइक होती है। उसके बाद ये कॉटिलॉइड कैविटी जो है ना इसमें, ये शैलो है और इधर डीप है। उसके बाद ये वाला जो है क्रेनियल आर्टिकुलर फेसेट्स हैं और क्रेनियल आर्टिकुलर सर्फेसेज हैं, ये हेड है, ये जो है कॉडल आर्टिकुलर फेसेट्स और कॉडल आर्टिकुलर सर्फेसेज हैं। और ये वाली जो स्पाइन है, ये स्पाइन, ये ऑक्स में बहुत बड़ी है और हॉर्स में जो है छोटी है, मोर प्रोमिनेंट इन ऑक्स है और हॉर्स में प्रोमिनेंट नहीं है, बस। और जो है इसमें वेंट्रल रिज वो एबसेंट है, वेंट्रल रिज एबसेंट है ऑक्स में। अब ये सेवन्थ है, ये हॉर्स की सेवन्थ है और ये ऑक्स की सेवन्थ है। इसमें जो है ना ट्रांसवर्स प्रोसेस एक ही होता है, सिंगल ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है, मेन निशानी इसकी सेवन्थ की है कि इसमें सिंगल ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है और इसमें ट्रांसवर्स फोरामिना नहीं होता, ट्रांसवर्स फोरामिन भी नहीं होता और ट्रांसवर्स प्रोसेस सिंगल होता है। और ये वाला जो है वर्टिब्रल फोरामिना है। इसके बाद ये वही विंग्स हैं, ये क्रेनियल आर्टिकुलर सर्फेसेज, ये हेड है, कॉडल आर्टिकुलर सर्फेसेज हैं, और ये वाली कॉटिलॉइड कैविटी है। यहाँ पे दो फेसेट्स होते हैं सेवन की, एक और बहुत बड़ी निशानी ये है कि यहाँ पे फेसेट्स होंगे, दो फेसेट्स होते हैं कॉटिलॉइड कैविटी पे। और ये जो है ना यहाँ पे ट्यूबरकल बनता है, वेंट्रल ट्यूबरकल होता है, वेंट्रल रिज नहीं बनती। उसके बाद ये हमारे पास ऑक्स की है सेवन्थ वर्टिब्रे, सेवन्थ वर्टिब्रे में उसी तरह ये ना एक ही होता है, मतलब वेंट्रल ट्रांसवर्स प्रोसेस एक ही होता है, ट्रांसवर्स फोरामिना नहीं होता। और इसके बाद ये वेंट्रल फोरामिना, ये कॉटिलॉइड कैविटी है, कॉटिलॉइड कैविटी इसमें शैलो होती है, इसमें डीप होती है, हॉर्स में डीप होती है और ऑक्स में जो है शैलो होती है। और ये वाले जो फेसेट्स हैं ना इसके ऊपर, ये फेसेट्स ये थोड़े से मोर प्रोमिनेंट हैं और हॉर्स में जो है लेस प्रोमिनेंट होते हैं। ये स्पाइन, स्पाइन ऑक्स में बहुत बड़ी होती है, मोर प्रोमिनेंट होती है, और इधर लेस प्रोमिनेंट है,
हॉर्स के केस में लेस प्रोमिनेंट है और ऑक्स के केस में मोर प्रोमिनेंट है। उसके बाद यहाँ पे ये ट्रांसवर्स प्रोसेस जो है ना, ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ ट्रांसवर्स फेसेट्स भी बने हुए हैं ऑक्स के केस में, जबकि हॉर्स के केस में ट्रांसवर्स फेसेट्स नहीं है। ठीक है, ये और इसके बाद ये वाले जो वेंट्रल क्रेस्ट है, इधर वेंट्रल ट्यूबरकल है और इधर वेंट्रल रिज बनी हुई है क्रेस्ट और रिज की तरह। ये हेड के साथ तो फेसेट्स हैं, इनके नाम का तो नहीं पता, लेकिन ये फेसेट्स इनके नाम किताब से देख लेंगे, बड़े कम्यूनी फेसेट।